Good evening, students. This is Dr. Sachin Goswami, and I welcome you on our YouTube classes. Dosto, PSSB, KVS, NVS, TGT, English ko lekar ek series humne chalai hui hai. Literary passages series hai ye. Isme comprehension mein aapko padha raha hu ki kaise comprehension kare. Kehne ko bahut aasan sa topic hota hai comprehension ka, lekin ye aasan sa topic bhi kabhi kabhi ghuma deta hai. प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कि पैसेज को समझे तो समझे कैसे, कैसे पैसेज हम करें, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए पैसेज को करते समय. कि अक्सर ये देखने में मिलता है कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज देखा और क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और क्वेश्चंस को देखकर फिर उसके आंसर देने में लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. सबसे मेन चीज वाइल रीडिंग पैसेज ये होनी चाहिए कि आप जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं, जो पैसेज आप कर रहे हैं, उसकी थीम, उसका सब्सटेंस आप पता करें कि एटलीस्ट ये किस बारे में है. अगर जो आपको ये आउटलाइन पता चल जाता है भाई ये इस टॉपिक को लेकर है, इस सब्जेक्ट के बारे में है, तो आपकी काफी प्रॉब्लम दूर हो जाती है. तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर ना जाए. कुछ बच्चे होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं, फिर पैसेज में उसको ढूंढने लगते हैं, जैसा कि आप 12th तक करते थे. वो चीज यहाँ पर नहीं चलेगी. आपको क्या है, थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है, उसको पढ़ना है कि किस बारे में ये पैसेज है, उसकी थीम को जानना है, मेन पॉइंट्स को देखना है, फिर क्वेश्चंस पर आना है, देन अगेन गो टू द पैसेज, फिर उसको फाइंड आउट करना है. बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों. चाहे आपको ये पता हो या ना पता हो कि कौन सी पोएम का है, किस पॉइंट का है, इट मेक्स नो डिफरेंस. मेन चीज है कि आप उसका सब्सटेंस, उसकी थीम को समझे. तो वही चीज आपको करनी है और उसी तरह से आपको करते जाना है. और दूसरी चीज, कुछ बच्चे घबराते हैं चीजों को करने से. अब ऐसे भी काफी बच्चे हैं जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर अदर जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उनसे डरते हैं. डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे अपना मोरल डाउन कर लेते हैं. वो कैसे, किसी ने कह दिया भाई तुम नहीं कर सकते, तुमने तो ये ट्राई कर रखा है पहले भी, तुम्हारा पहले ही नहीं हो पाया, अब क्या करोगे. तो जो कह रहा है ना उसको कहने दो, लेकिन आप अपने अंदर की जो खोई हुई शक्ति है उसको जागृत करने की कोशिश, उसको पहचानो. अब काफी बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमने प्रसाद बोल दिया, हम मंदिर चले गए, लेकिन हमें तब भी वो नहीं मिला. भगवान कहां से आपको फल देंगे जब आप खुद अपने आप को नहीं पहचानेंगे. और हकीकत तो ये है कि भगवान का जो अंश होता है ना, गॉड का अंश, वो हम सभी में विद्यमान है, और इसी वजह से ये हमारी सांसें चल पा रही हैं, हम कर्म कर पा रहे हैं. तो लेकिन जो वो जो भगवान का अंश आपके अंदर है, उसको आपको पहचानना है, उसको आपको जागृत करना है. और जिस दिन आपने उन शक्तियों को जागृत कर दिया, उस दिन आप अपने उस मुकाम को हासिल कर जाएंगे. क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर आप अपने एक डेडिकेशन में पूरी तरह से लग जाएंगे, अपनी एक मेहनत, अपनी एक स्ट्रेटेजी, वो सारी चीजें आपकी आने लगेंगी. क्यों? क्योंकि आपका जो खोया हुआ मोराल है वो जागृत हो जाएगा, वो अब वैसा नहीं रहेगा. तो कहने का मेरा मतलब यही है कि अपनी खोई हुई शक्ति को उठाएं, उसको जागृत करें, तो खोने ना दें. आपने हनुमान जी का भी उदाहरण देखा होगा कि हनुमान जी वो तो भगवान थे ना अपने आप में, लेकिन उनको भी, उनको एहसास दिलाना पड़ता था कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये कार्य कर सकते हैं. जैसे ही उनको एहसास दिलाया जाता था तो एक एंथुसियाज्म उनके अंदर आ जाता था और फिर वो उस कार्य को कर ही निपटते. तो हम तो इंसान है ना, हमें एक छोटा सा अंश हमें भी है भगवान का, तो उस अंश को हमें पहचानना है और अपने कार्य में लग जाना है, और जिस कार्य में आप लगोगे उसमें सफलता हासिल कर. तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को. तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है, जो पोयम है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको समझना है पोयम अच्छी तरह से. आई ले इन सोरो इन डीप डिस्टेंस, माय ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट, हिज लुक्स वर कॉल्ड ही गिव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड. देखिए, आई ले इन सोरो इन डीप डिस्ट्रेस, यहां पर क्या कहा गया है कि मैं बीमार था, मैं दुख में था. पॉइंट कहता है कि मैं दुख में था
ठीक है ना, बहुत ज्यादा तनाव में था और एक मेरी आवाज को एक प्राउडी मैन ने सुना, यानी कि एक प्राउडी मैन जो था उसको ही केम टू नो अबाउट माई ग्रीफ, उसको मेरे दुख के बारे में पता चला, घमंडी व्यक्ति को दुख के बारे में पता चला। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, मतलब उसने एक सही व्यवहार किया और उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे गोल्ड दे दिया। गोल्ड आप जानते हैं कि मेटलिस्टिक परस्यूट को रेफर करता है, गोल्ड गोल्ड रेफर्स टू मनी, उस प्रॉस्पेरिटी को रेफर करता है। बट नोट अ काइंडली वर्ड, गोल्ड तो दिया लेकिन एक काइंडली वर्ड यूज नहीं किया, मतलब कोई भी काइंडली वर्ड उसने यूज नहीं किया। तो कहने का मतलब घमंड में आकर उसने उसको दिया, भाई जा मैं तुझे ये देता हूं तेरी मुसीबत के लिए। माई सोरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मेरा दुख गुजर गया और मैंने उसे जो सोना उसने मुझे दिया था मैंने उसे उसका बैक कर दिया, वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और फिर उसके बाद मैंने उसको धन्यवाद अदा किया और एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी चैरिटी को ब्लेस्ड किया, भाई तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया तो उसका थैंक जो है उसको अदा किया। आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, होस्ट मी नाइट एंड डे, और फिर मुझे दोबारा से आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी और मैं दर्द में था, दुख में था, तो एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से होकर गुजरा। ही बाउंड माई हेड, गेव मी ब्रेड, तो उसने मेरी मदद की, मुझे खाने के लिए रोटी भी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मेरी दिन रात देखभाल की उस गरीब व्यक्ति ने। अब देखिए, हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसका कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगा, उसको कैसे उसका कर्जा चुका पाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कार्य उसने मेरे लिए किया मैं उसका कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगा। ओ गोल्ड इज ग्रेट, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, मैं मानता हूं कि गोल्ड ग्रेट है लेकिन उससे बढ़कर क्या है, जो हेवनली सिंपैथी है वो उससे ज्यादा बढ़कर है। तो दोस्तों ये आपने समझा, एक बार फिर से इसको समझिए कि पैसेज में क्या है। पॉइंट ये कहता है कि वो दुख में था, बहुत ज्यादा तनाव में था, तो एक घमंडी व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसको गोल्ड दिया और लेकिन एक भी काइंडली वर्ड यूज नहीं किया, अच्छी तरह से स्वभाव नहीं था उसका, उसके प्रति, पॉइंट के प्रति। पॉइंट का जो दुख था वो गुजर गया, उसने उसको जो गोल्ड था वो वापस कर दिया और उसको धन्यवाद अदा किया, और फिर दोबारा से वो बीमार पड़ा, उसको एक गरीब व्यक्ति था वो मिला, उसने उसका उसकी सहायता की और किस तरह से उसने उसको खाने के लिए दिया, फूड दिया, और इसके अलावा उसने उसकी दिन रात उस केयर की। अब वो जो पॉइंट है वो ये कहता है कि मैं इस गरीब व्यक्ति का जो कर्ज है वो कैसे अदा कर पाऊंगा, मैं मानता हूं गोल्ड ग्रेट है लेकिन उससे कहीं ज्यादा ग्रेटर क्या है, हेवनली सिंपैथी। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पॉइंट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस, जब पॉइंट डीप डिस्ट्रेस में था तो प्राउड मैन ने उसकी कैसे मदद की थी। ही गेव हिम अ फोन, क्या उसने उसको एक फोन दिया था। सही है, जो प्राउड मैन था उसने क्या उसको एक फोन दिया था, नहीं ना। ही टुक हिम अ होम, क्या उसको घर ले गया था, नहीं था, नहीं ना। ही गेव सम मनी, क्या मनी दी थी। ही पेटेड द पॉइंट, क्या उसने उसके प्रति सिंपैथी की थी, नहीं। उसने मनी नहीं, गोल्ड दिया था, और गोल्ड आप जानते हैं मैंने आपको बताया था मेटलिस्टिक परस्यूट का ये सिंबल है, तो इस यानी कि संपदा से ही रेफर करता है, तो मनी राइट आंसर है। तो उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया, गोल्ड ना देकर सब्स्टिट्यूट मनी दे दिया, तो दिस वन इज द राइट आंसर, ये राइट है। एग्जैक्टली गोल्ड दिया होता तो हम गोल्ड को टिक कर देते। व्हाट वाज इट ही डिड नॉट गिव द पॉइंट, वो क्या चीज थी जो उस व्यक्ति ने पॉइंट को नहीं दी, किसने, उस अमीर व्यक्ति ने, मनी गोल्ड फूड सिंपैथी, इट वाज सिंपैथी। दैट क्लियर, ये क्लियर हुआ। आगे देखिए, हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पॉइंट, जो पुअर मैन था उसने पॉइंट की कैसे देखभाल की। देखिए, द पुअर मैन गेव हिम सम मनी एंड फूड, पुअर मैन ने उसको कुछ पैसा दिया, कुछ फूड दिया। द पुअर मैन गेव गोल्ड एंड काइंड वर्ड्स, उसने उसको काइंड वर्ड्स बोले। द पुअर मैन गेव फूड टू द पॉइंट एंड टुक केयर हिम डे एंड नाइट, दिस वन इज द राइट आंसर। तो है
जो पुअर मैन था उसने उसको फूड दिया था और उसकी दिन रात देखभाल की थी. ही टुक द पॉइंट होम एंड बाउंड हिज हेड व्हिच वाज हर्ट. नो के बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये देखना है. द पोएट रिपेड हिज डेब्ट टू द प्राउड मैन बाय थैंकिंग हिम. भाई रिपे कर दिया उसको थैंक कर. यस द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोएट. The poor man blessed the charity of the poet. No, this one. Not correct. When the poet was in sorrow, he was given money. The poet says he cannot repay the poor man for his sympathy. इनमें से कौन सा सही है? So this one, you can see the B. The poor man blessed the charity of the poet. के बाद, which word in the poem means giving money to a person who is in need? कि जब किसी व्यक्ति को need हो, पैसे की, तो उसको पैसा देना क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड, इज इट कॉल्ड चैरिटी, सिंपैथी, काइंडनेस और डिस्ट्रेस? वी नो दैट इट इज कॉल्ड चैरिटी. ये क्या है? चैरिटी है. तो ये चैरिटी आपका आंसर हो गया. तो दोस्तों इस तरह से पैसेज को समझना होता है, करना होता है. तो मैंने आपकी एक बहुत आसान तरीके से इजी पैसेजेस से शुरुआत की है. तो आपको तीसरा जो ये पैसेज है आज मैंने आपको पढ़ाया है. अगर आपने पीछे के पैसेज अभी तक नहीं करे हैं तो उनको भी आप जरूर कर लें और इस सीरीज का हिस्सा बन जाएं. ये जो सीरीज चल रही है DSSB की, इसमें सबसे पहले मैंने आपके लिटरेरी पैसेजेस लिए हैं और इसके बाद में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जितना सिलेबस कवर हो सकेगा वो मैं कराने वाला हूं. तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए अपने दोस्त में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, जहां पे भी ग्रुप बने हुए आपके स्टडी के, वहां पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. Thank you very much. Yours, Dr. Sachin.